फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव और आज के इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बात करेंगे यहां पर हाल फिलहाल में ही शादी के बंधन में बंधे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बारे में। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी शादी के बाद से ही खासा सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं पर बॉलीवुड का फिलहाल का ट्रेंडिंग टॉपिक ही आलिया भट्ट और रणबीर की शादी है। जिस तरीके से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी शादी को उस तरह पर्सनल और प्राइवेट रखा, उतना ही मजा फैंस को उनकी फोटोज देखने में भी आया। जी हाँ, जिस तरीके से आलिया और रणबीर की फोटोज जैसे ही वायरल हुई, जैसे ही कपल्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटोज को शेयर किया, वैसे ही फैंस की निगाहें उन पर टिक गए और उनकी फोटोज देखकर फैंस खूब खुशी मनाने लगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर शादी के 5 से 6 दिन लगभग हो चुके हैं और 5 से 6 दिन के बाद खुद रणबीर कपूर काम पर वापस लौट गए हैं, शूटिंग पर वापस लौट गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट भी शूटिंग पर वापस लौट गए हैं। रॉकी रानी की शूटिंग के लिए फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर के लिए बीते कल रवाना हुई थी। पिंक कलर की सलवार सूट कैरी उन्होंने किया था और इस तरीके से वो रवाना हुई थी अपने ससुराल से। लेकिन बात की जाए यहाँ पर कि आखिर ये खबर जो वायरल हो रही है लगातार कि शादी के तुरंत बाद ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूटता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कपल को खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं, बधाइयां मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रणबीर और आलिया को इस खुशी के मौके पर कोसते नजर आ रहे हैं और ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बात की जाए यहाँ पर कि किस वजह से मुसीबत में फंसे हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, तो बता दें चले ट्रोलिंग को लेकर। जी हाँ, रणबीर आलिया ने अपना एक किसिंग फोटो शेयर किया है यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिसको देखकर एक और कपल ने ऐसा ही किसिंग फोटो शेयर किया जिनको ट्रोल होना पड़ा। उनको कहा कि ये भारतीय संस्कृति या भारतीय रीति रिवाज में नहीं आता है किस करना। वहीं पर रणबीर आलिया को भी कहा गया कि जितने तुमने फेरे नहीं लिए उतनी बार तो तुम अपनी शादी में किस करते नजर आए। तो यहाँ पर फैंस और यूजर्स जो है, यहाँ पर जो आलिया भट्ट और रणबीर को ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो रणबीर आलिया की इस वक्त भी टांग खींचने के अलावा, कोसने के अलावा, उनको ट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से यहां पर आलिया रणबीर के लिए मुसीबतों का पहाड़ ही टूटता नजर आया कि एक तरफ बधाइयां तो दूसरी तरफ ट्रोलिंग का शिकार कपल शादी के तुरंत बाद ही होने लगे। वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट जो कि पिंक आउटफिट में नजर आई थी, तो उन पर भी सवाल खड़ा किया गया कि आलिया भट्ट शायद अब कैटरीना कैफ को कॉपी करती नजर आई है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।